तो वही है बृहद धर्म पुराण में जो लिखा गया रामायण रामायणम सन मनोवृत्ति प्रदम। तो ये जो जावा का वो मुस्लिम था मौलवी, उसके उत्तर से भी स्पष्ट है जब उसने डॉक्टर प्रसाद से कहा कि आप पूछते हैं मैं रामायण क्यों पढ़ता हूं, तो मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मैं और भी बेहतर मनुष्य बनने के लिए पढ़ता हूं। पूरी दुनिया में तब तुम जिसको आप दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ये राम कथा की जो व्यापकता है ये आश्चर्य में डालती है। फादर बुके ने बहुत गहराई में जाके न केवल राम कथा के विभिन्न प्रसंगों के अंतर्राष्ट्रीय विकास पर कार्य किया, बल्कि उन कारणों को भी उन्होंने ढूंढा जिन कारणों से ये कथा विश्वव्यापी होती चली। आपको आश्चर्य होगा अकेले इंडोनेशिया में 300-400 स्थानों पर प्रतिदिन रामलीला होती है। जिसके घर में भी बच्चा हुआ वो रामलीला करेगा, सब मुसलमान है, 90% वहां मुस्लिम है। 700 द्वीपों में फैला हुआ वो देश है, बड़े छोटे मिला के 1000 द्वीप है। और वहां यह है कि विवाह हुआ तो राम कथा पर आधारित कोई बैले होगा, कोई नाटक होगा, कोई रामलीला होगी, कोई चर्म पट्टिकाओं को दिखाकर किया जाने वाला कठपुतली नाटक होगा, ये क्रम चलता है। और यही स्थिति है थाईलैंड में। थाईलैंड की जो भाषा है उस भाषा में सैकड़ों संस्कृत शब्द पाए जाते हैं। वहां जो बैंक का है धनागार, हमारे देश में तो बैंक शब्द चलता है, लेकिन कितना उपयुक्त शब्द है जो आज थाईलैंड में व्यवहित हो रहा है। सैकड़ों शब्द है संस्कृत के इंडोनेशिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित, और वहां हिंदू मुस्लिम ईसाई इन समूह का कोई भेद है नहीं, क्योंकि महाभारत में अर्जुन बड़े लोकप्रिय हैं, जैसे राम कथा में बहुत लोकप्रिय है, सीता लोकप्रिय है, वैसे अर्जुन और द्रौपदी ये बड़े लोकप्रिय हैं। कृष्ण भी आते हैं लेकिन कृष्ण को वो लोकप्रियता नहीं मिली है जो राम को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो यह है एक ऐसा परिदृश्य है जिसका निर्माण फादर कामिल दुर्के करते हैं, और ये चकित करने वाला है इस अर्थ में कि हम लोग एक जिस अंग्रेज जिसको कहते हैं मैरूम्ड थे, वो केवल मानते थे कि हिंदी में राम कथा राम तीर्थ मानस और दूसरी राम कथाएं पुरानी हैं, छंदोबद्ध और कुछ नहीं है, जबकि फादर बुड़के ने सैकड़ों ग्रंथों का हवाला दिया और राम कथा की व्यापकता का और उसके कार्यों का उद्घाटन किया। हिंदी की लड़ाई लड़ते लड़ते ही उनका जीवन बीता। फादर बुड़के के देश में दो भाषाओं की लड़ाई चल रही थी, फ्रेंच और फ्लेमिश। फ्लेमिश इनकी मातृभाषा थी, बेल्जियम के अधिकांश क्षेत्रों में फ्लेमिश बोली जाती है जन भाषा या मातृभाषा के रूप में, लेकिन राजभाषा के रूप में वहां फ्रेंच पढ़ाई जाती है। तो विद्रोह का एक भाव था आम जनता में, फादर बुड़के ने छात्र जीवन में ही इस भाव का नेतृत्व किया, क्योंकि वो जैसे आए इंटरमीडिएट में वैसे ही छात्र नेता बन गए मातृभाषा के, बड़े प्रतिभाशाली अपने विषय के बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, नहीं तो एक दर्जन भाषाएं नहीं जाती, जर्मन फ्रेंच इटालियन माध्यम से उन्होंने दर्शन शास्त्र की उन्हें परीक्षा के 90% अंकों से उत्तीर्ण। लेकिन वो चाहते थे कि मैं हिंदी माध्यम से जब तक हिंदी में कार्य नहीं कर सकूं तब तक मेरा भारत में रहना अर्थ। संस्कृत पर ऐसा अधिकार था कि उनके गुरु